Don't be sad. कैसे पबजी बोलता था? नाम ले लो. हाय प्रतीक, ले लिया मैंने नाम. खुश. आज के लाइव में बहुत मजा आया. संचिता वासु फैंस का यही सवाल रहता है कि संचिता वासु के 3 मिलियन कंप्लीट बहुत पहले के हो चुके हैं, उन्होंने मीटअप क्यों नहीं रखा है. तो गाइज, मैंने आपसे इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि संचिता वासु किस वजह से मीटअप नहीं रख पा रही हैं, और संचिता वासु ने वादा भी किया था मीटअप रखने का, सबसे मिलने का, मगर उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाई संचिता वासु. जैसे ही फ्री होती हैं तो संचिता वासु मीटअप जरूर रखेंगी. उनकी मूवी की शूटिंग तो चल ही रही है, साथ साथ वो अपनी एक्टिंग से सभी फैंस का दिल भी जीत रही हैं. आपने देखा होगा किस तरीके से संचिता बासु अलग अलग तरीके से वीडियो बनाती हुई आजकल नजर आ रही हैं और आप सबको पूरा एंटरटेनमेंट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं. तो आइए आपको सुनाते हैं संचिता बासु ने जब 3 मिलियन कंप्लीट नहीं हुए थे तो उस टाइम क्या वादा किया था अपने फैंस से, क्या बात बताई थी. आप सुनिए इस वीडियो में, देखिए और संचिता बासु को प्यार दीजिए. अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सो थैंक यू सो मच एवरी वन. मेरे दिल में सबके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है, उतना ही प्यार है. थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सारा प्यार और सपोर्ट देते हो. थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हो. एंड मैं जब भी अपने ग्रुप में अपने जो मैं हम लोग का एक ग्रुप है संचू हार्ट्स, हमारा फैमिली है, जहाँ मैं ढेर सारा आप लोग को मैसेजेस करती हूँ या जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ. आज मैंने जो पोस्ट किया था उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था वहाँ. तो अगर देती हूँ जब भी, सो आई गेट लॉट्स ऑफ लव देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर. सो या थैंक यू सो मच. जय श्री राम, जय श्री राम. हे मैम, प्लीज मीटअप रखिए. जैसे मैंने कल के लाइव में कहा था कि बहुत जल्द मैं मीटअप रखूंगी. एक मेरा प्लानिंग था कि व्हेन आई विल रिच द 3 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पर जब 3 मिलियन कम्प्लीट होते हैं सो आई एम थिंकिंग फॉर अ मीटअप वेरी सून. बट प्लेस और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे आप लोगों से शेयर कर दूँगी. सो या आप लोग सपोर्ट करो, जल्दी से 3 मिलियन फॉलोअर्स कम्प्लीट करते हैं हम लोग एंड लेट्स मे प्लान अ मीटअप. लाइक मैं सोच रही हूँ क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा आ जाता है तो सब कोई दुर्गा पूजा में अपने अपने घर जाते हैं. सो दैट्स द नॉट द नो दैट्स नॉट द गुड टाइम. तो हम लोग सब पूजा करेंगे राइट. सो द टाइम जब मुझे लगेगा कि सब कुछ फ्री है, सब कोई फ्री होंगे, वैसे टाइम में मैं मीटअप अरेंज करूँगी. और आई थिंक 15 to 16 days पहले आप लोग को बता दूँगी. सो नो प्रॉब्लम.